दिया। नमक हराम ने सारे बाजार मुझे नंगा कर दिया। सरकार, मैं तो आपके फायदे का ही आइडिया दे रहा था। मेरे फायदे का आइडिया दे रहा था कि सबका ध्यान मेरी तरफ लगाकर मेरा माल खराब करा रहा था। बड़ा अक्रमण बड़ा फिरता था, मुझे बर्बाद कर दिया इस बदमाश ने। सरकार मुझे माफ कर दीजिए। सरकार इसको सारी रात स्विमिंग पूल में डालो, सुबह तक ये ठंड से मर जाएगा। ले जाओ, निकाल मेरी बूटी। सरकार आप एक ही तो निशानियां रहने दीजिए। देखता हूँ नवाबजादा फकीरा कैसे मेरे हाथ से बचता है। हेलो, कौन बोल रहा है? जी मैं नीता बोल रही हूँ। नीता जी नमस्ते। देखिए मैं विजय साहब की तरफ से बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि कल शाम को ठीक 5 बजे आप तुलसी लेक पर पहुंच जाए। जी मैं पहुंच जाऊंगी। थैंक यू। एक बार हाथ आ जाए फिर देखता हूं, काश तरकीब पहले मेरी समझ में आ जाती। हमारी बारी है, तुम्हारी लैला हमारे कब्जे में है। हिसाब किताब ठीक करने के लिए 3 बजे पुराने एयरपोर्ट पर पहुंच जाओ। अगर तुमने कोई चाल चली तो उसकी लाश भी तुम्हें नहीं मिलेगी। चिमन, अगला पिछला सारा माल लेकर आए हो ना? नीता को मेरे हवाले करने के बाद अच्छी तरह गिन लेना। मुझे तुम पर भरोसा है। लेकिन मुझे तुम पर यकीन नहीं है। हाँ, वो भी कैसे, जुदाई की तड़प बहुत बुरी चीज होती है। बस अब तो सिर्फ 15 मिनट की बात है, उसके बाद उसकी हसीन बाहें होंगी और तुम हो। उसे बाहों में लेकर बहुत मजा आता होगा। सुनो, इसका अंदाजा तुम जैसे पहलवान नहीं लगा सकते। जल्दी चलो और तेज। बॉस जगह करीब आ रही है। वो देखो नीचे, नीता मेरे आदमियों के साथ। देखो देखो, कैप्टन। यस सर। जहाज को घुमाकर फिर यहीं ले आओ। अगर भैया को कुछ हो गया ना, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। चिमन, विजय भैया जहाज में बैठे ही क्यों? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। अरे जहाज कहाँ गया है? राइट को लो, राइट को। क्यों क्यों? सुई बता रही है। तुम ये पैराशूट बांधकर नीचे कूद जाओ, नीता तुम्हें मिल जाएगी। मेरा माल पहले पैराशूट। ओके। सुनो, जैसे ही फकीरा पैराशूट से कूदे, तुम सब लोग तैयार रहना। जमीन पे वो नहीं, उसकी लाश उतरनी चाहिए। जल्दी जल्दी कमाल। जय बजरंग बले। बचाओ बचाओ बचाओ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। अरे छोड़ना मत, छोड़ना मत। अरे बॉस भी साथ है।
फायर मत करना। अरे मेरा बैग कहाँ, मेरा बैग? अरे अरे ये विजय, उस कुत्ते को छोड़ना नहीं वरना लोग तुम्हें गोली मार देंगे। ठहरो, तुम सब अपने हथियार फेंक दो नहीं तो मैं इसका भेजा उड़ा दूंगा। ठहरो, फेंक दो। अब बता नीता कहाँ है? वो वहाँ अंदर है। विजय ये झूठ बोलता है, नीता वहाँ नहीं है। ये बकवास करती है, मैंने इसे तहखाने बंद कर रखा है। विजय ये बेईमान कोई चाल चल रहा है। चेमान सच सच बता के नीता कहाँ है नहीं तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। बताओ। बताता हूँ, मैंने इसे रामलीला के मैदान में रावण के पुत्र के अंदर बांध दिया है ताकि वो रावण के साथ जलकर राख हो जाए। रावण के पुत्र के अंदर? चेमान तू इंसान नहीं शैतान की औलाद है, उसके मरने से पहले मैं तुझे खत्म कर दूंगा। नहीं नहीं मुझे मत मारो, रावण के जलने में अभी तकरीबन 2 घंटे बाकी है, कार से वहां 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। मंगा कार। कार लाओ। गाड़ी चलाओ। गाड़ी रोको। विजय बैग लाओ। यस बॉस। दौलत भी मिल गई। हाँ। और दुश्मन भी खत्म। अरे अरे सारे पत्थर मिल गई दौलत, हिसाब चुकता करवे बेटा। हिसाब तो ऐसा चुकाऊंगा नवाब दादे कि तेरी रूह कहां उठेगी। अगर माल का पता ना बताया तो यहां तू मरेगा वहां वो मरेगी। सब इंतजाम ठीक हो रहा है? यस सर। गुड। अब भी वक्त है फकीरा, पता मेरी दौलत कहाँ है? कभी नहीं बताऊंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। पहलवान नाच, तेरे कदमों की धमक इसे मौत के पास ले जाएगी। देखते क्या हो, इसे उस वक्त तक मारते रहो जब तक ये नाचे नहीं। नाच। मेरे गुनाहों की सजा मिल रही है,
विजय, वक्त बहुत कम है। जाओ, नीता को